हेलो फ्रेंड्स, मैं उमन, आपके साथ आपका स्वागत है टेक्नोरमान में। आज हम आपके लिए लाए बहुत अच्छी टेक न्यूज़, क्योंकि मैंने सोचा था आज नहीं दूँ आपको टेक न्यूज़, बट मैंने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट टेक न्यूज़ है तो आपको कैसे नहीं दे सकता आज मैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, आज एक मतलब फ़ोन लॉन्च कर दिया है, मतलब कल लॉन्च हो रहा है ये फ़ोन, आपको कल से परचेज कर सकते हैं आप इसको। इन्फिसन नोट 4 करके एंड हॉट 4 प्रो करके एक फ़ोन लॉन्च हुआ है, एक 7,500 रुपये का प्राइसिंग और एक 9,000 रुपये का। तो मेरे हिसाब से जो 9,000 रुपये वाला है वो इंटरेस्टिंग है, वो 7,500 वाला भी इंटरेस्टिंग है, बट आपको पहले 9,000 वाला बता देता हूँ। 9,000 वाले में आपको 5.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलता है और मीडियाटेक का 6753 का प्रोसेसर मिलता है। जो इसी यही जो कंपनीज हैं यही बस एक रॉन्ग कर देती है मिस्टेक, जो प्रोसेसर ऐसा दे देते हैं, बट प्रोसेसर मेरे वाइज अच्छा होना चाहिए था, मतलब कम से कम स्नैपड्रैगन का 630 भी देते, 430 भी दे देते तो अच्छा रहता। अगर ये फोन आपको अच्छे परचेस कर सकते, 3 GB रैम मिलती है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, आप 128 एक्सपांड कर सकते हैं, 13 MP का बैक कैमरा मिलता है, 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है आपको, और 4,300 mAh की बैटरी मिलती है जो आपको फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है। बताया जा रहा है आपके 30 मिनट्स में 45% चार्ज कर लेगा। तो मेरे हिसाब से बढ़िया फोन है, आप जाके परचेज कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि अब आप बस प्रोसेसर के वाइज ऐसा फोन ले दोगे इतना अच्छा फोन, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं और दिखने में भी अच्छा ही है। तो मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप मत परचेज करो, ये देख सकते हैं आप लोगों, मतलब ठीक ठाक अच्छा फोन दिखता है मेरे हिसाब से। चलिए अब हम 7,500 रुपए वाले में आते हैं, तो उसमें 5.5 इंच की आपको HD डिस्प्ले मिलता है, मीडियाटेक का 6737 का प्रोसेसर मिलता है और 3 GB की रैम मिलती है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, 128 आप एक्सपांड कर सकते हैं, एंड्रॉइड 6 मिलता है और उसमें एंड्रॉइड 7 मिलता है, तो एंड्रॉइड 6 बहुत पुराना हो गया, एंड्रॉइड 7 का जमाना है, और 13.5 का कैमरा मिलता है आपको, 4,000 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो मतलब भाई ये 7,500 रुपये में आपको फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में कल लिंक दे दूंगा और आप कल जाके इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। तो अपन नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ओप्पो F3 90% लोअर कॉस्ट मिल रहा है आपको फ्लिपकार्ट में, क्या ये सच बात है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक्सचेंज करते हैं पुराना मोबाइल अपना तो आपको कम प्राइस मिलता है, बट मैं बोलूँ तो आप रिकमेंड मैं नहीं कर सकता आपको ये फ़ोन लेने की, क्योंकि ये फ़ोन में वो दम नहीं है जो हमारा शाओमी देता है और दूसरी कंपनीज देती है, बट इसमें आप लेना है तो आप जाके ले सकते हैं, आपको ये नो कॉस्ट EMI में भी मिलता है जो 1,666 पर मंथ है, तो आपको लेना है तो जाके ले सकते हैं। आप गूगल पिक्सल करते हो उसमें तो आपको 2,000 रुपये देने पड़ते हैं, और आप जाके OnePlus 3T को करते हो तो आपको देने पड़ते हैं 6,900 रुपये, और आप और ये क्या है और वही 6,900 रुपये। तो मेरे हिसाब से आपको लेना है तो ले सकते हैं जाके, आपको तमन्ना थी ओप्पो का लेने की तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। तो दोस्तों iWoomi ने भी अपना एक 3,000 रुपये में फ़ोन निकाल दिया है जो 4G होल्ड के साथ मिलता है, बट इतना कोई वो नहीं किया हमारे ऊपर, तो इससे अच्छा स्वाइप था, स्वाइप क्या नाम था उसका, स्वाइप कनेक्ट कुछ था, वो भी इससे अच्छा मोबाइल था, वो 2,800 रुपये में मिलता था आपको, इससे अच्छा प्राइसिंग देता था, और मतलब 4G वोल्टी मिलता है और डुअल सिम मिलता है आपको उसमें, और 4.5 इंच के डिस्प्ले मिलता है और 512 MB रैम मिलती है आपको, 4 GB के इंटरनल स्टोरेज मिलता है, आप 128 एक्सपांड कर सकते हो, और एंड्रॉयड 6 है और कोड का अननोन प्रोसेसर है 1.3 GHz का, और 1800 mAh की बैटरी है, और बस यही है मोबाइल, और आपको लेना है तो जाके आपको ले सकते हैं, आप उसकी फोटो देख लीजिए, कोई खास नहीं है तो आपको लेना है तो जाके ले सकते हो, बता रहा हूँ 3,000 रुपये में ये फोन भी है। चल नेक्स्ट यूज करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मोटो G5S भी आप लॉन्च हो गया है, और G5S Plus जो बहुत रूमर्स आ रहे थे वो रूमर्स रियल थे और वो झूठ नहीं थे, तो मेरे हिसाब से आप ये फोन भी लॉन्च हो गया है, और आप इसके मैं आपको स्पेक्स बताता हूँ। इसमें आपको जो मोटो G5S है वो जो लाइटर वेरियंट है, वो आपको स्नैपड्रैगन का 430 का प्रोसेसर मिलता है, 1.3 GHz में स्पीड है, और आपको 16 MP का बैक कैमरा मिलता है और 8 फ्रंट मिलता है, 3,000 mAh की बैटरी मिलती है जो आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, मतलब टर्बो चार्जर मिलता है उसमें तो वो है, और 5.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलता है, वो मेटल बॉडी डिजाइन मिलती है आपको, तो मतलब इस एंड्रॉइड 7 OS में मिलता है। तो मतलब इस मोबाइल में इनने बस कैमरा को इम्प्रूव किया है, पुराने में देखा जाए तो मेरे सबसे ठीक है, और फ्रंट में भी आपको फ्लैश मिलता है, तो आप जाके इसको परचेस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, तो आपको परचेस करना है तो आप जाके कर सकते हैं अपने इसमें।
तो अब चलिए अपन हायर वेरिएंट में चलते हैं, प्लस वाले में। तो आपको बता दूं स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर मिलता है, जो 1.7 गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक्ड है, और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है, और 8 फ्रंट मिलता है आपको। 3000 mAh की बैटरी मिलती है, और आपको एंड्रॉयड 7 के साथ मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का फ्लैश कैमरा। तो मेरे हिसाब से, और डुअल कैमरा मिल रहा है, ये इसकी खासियत है बस, और कुछ खासियत नहीं है। डुअल 13 मेगापिक्सल के कैमराज हैं, तो मेरे हिसाब से आपको लेना है तो आप परचेज मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा इन दोनों फोन के लिए। ओवर प्राइस्ड है ये दोनों, और मेरे पास से अभी प्राइसिंग भी बताई गई है, मेरे हिसाब से 22,000 रुपये के करीब, मतलब कम से कम इसको 15,000 रुपये प्राइसिंग होती है तो ये बेस्ट फोन हो सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से मोटो नहीं करने वाला 15,000, वो करेगा 20,000 के ऊपर, तो जब हम देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट यूज की ओर चलते हैं अपन। तो बता दो दोस्तों, सोनी ने फोन लॉन्च कर दिया है अपना एक्सपीरिया L1, जो बजट फोन है इंडिया के लिए। मैं बता दूं, पहले तो बताया जा रहा था कि सोनी ने बंद कर दिया इंडिया में आना, बट ये कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं, वो आ रहा है, अपने फोन लॉन्च कर रहा है। आप देख सकते हैं फोटो सोनी की, मेरे हिसाब से तो प्रीमियम फोन लग रहा है, बट इसकी आप स्पेक की ओर देखेंगे तो हम बताएंगे आपको। चलिए आपको बता दूं, 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलता है, 720 का मिलता है LCD डिस्प्ले, और आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का 6737 का प्रोसेसर, जो सब में आजकल हो रहा है। 2 GB की रैम मिलती है आपको, 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, आप 128 एक्सपांड कर सकते हैं, और 13 MP का बैक कैमरा मिलता है, 5 फ्रंट मिलता है, और 4G वोल्टेज के साथ मिलता है, 2620 mAh की बैटरी मिलती है, और प्राइसिंग बताई जा रही है तो 10,000 रुपये करीब ये फोन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक नहीं है, मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए 7,000 रुपये करीब, जब भी हम जाके परचेस करेंगे। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका क्या सोनी पे आगे का वो है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, आपको सैमसंग S7H चाहिए, S7H प्लस चाहिए, तो आपको बता दूं उसमें प्राइसिंग बहुत कट हो गई है फ्लिपकार्ट की ओर के, किसमें हुई है ये 38,400 रुपीज, 43,900 रुपीज, जो पहले थे वो थी 50,900, 56,900। तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत कम प्राइस कर दिया है सैमसंग ने, क्योंकि अब S8 आ गया है तो प्राइसिंग कम होगी। मैं तो S8 आपको रिकमेंड करूंगा, तब महंगा आप मत खर्च करो, उसमें थोड़ा सा मिला के उसमें वो ले लो। आपको मैं फीचर्स बता देता हूँ, 4 GB की रैम मिलती है, 32 GB स्टोरेज मिलता है, 12 MP का बैक कैमरा मिलता है, 5.1 इंच का फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, और जो बड़ा वाला है वो 5.5 इंच का मिलता है, जो उसमें 128 इंटरनल है, और वाटर प्रूफ है, और डस्ट एंड, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक फोन है यार। उसकी फोटो तो अपन देखेंगे ही, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिखता है ये, बुरा नहीं दिखता है ये, जैसे आईभूमि जैसा नहीं दिखता है, तो ये अच्छा फोन दिखता है, तो हम इसको फोटो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। दोस्तों बता दूं, एक रूमर्स आ रहे हैं माइक्रोमैक्स, मैं बताऊं मेरा मूड क्यों खराब हो गया, माइक्रोमैक्स फोन लॉन्च करने वाला है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा आपको बैक और फ्रंट के साथ, फ्लैश जो 5 मेगापिक्सल का होगा, एंड्रॉयड 7 के साथ होगा आपका, और 3 GB की रैम मिलेगी, मीडियाटेक का 6737 का प्रोसेसर होगा, और जो बताया जा रहा है इसमें 3000 mAh की बैटरी है, जो उसकी हाइलाइटिंग फीचर है, इतना गंदा दिख रहा है, मैं क्या बताऊं आपको, आप फोटो देख सकते हैं यार, बहुत ही मतलब बहुत चीप टाइप लग रहा है, मतलब आप बताएं तो प्रीमियम डिजाइन आता ही नहीं है, मतलब जो फील आना चाहिए वो नहीं है। तो मेरे हिसाब से, और 5.2 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है 2.5D ग्लास के साथ, तो आपको लेना है तो ले लो, मैं भाई रिकमेंड कभी नहीं करूंगा। मैंने एक फोन बोला था जो सेल्फी निकाला था, उसने सेल्फी कौन सा फोन निकाला था वो बोला था बस, वरना आज के तो बाद सैमसंग मतलब क्या बोलते हैं माइक्रोमैक्स, धन्य। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा टेक्नोरमान को, और प्लीज मैं आपको ऐसे ही वीडियो रोज लाता रहूंगा। मैं सोचा है कि मैं वीक में आपको 3-4 वीडियोस का मतलब अभी बना लूं पैक की, ऐसा करना है, तो जब आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो अपन ऐसे ही करा करेंगे, क्योंकि रोज डेली मेरे को थोड़ा हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, और एडिटिंग करनी है, और सब अभी तक एडिटर नहीं ढूंढा है, तो बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है मेरे को अभी। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा टेक्नोरमान को, और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा कि आपको कुछ मेरा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, कुछ चेंज करें कि क्या करना है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।